ये दोस्तों मैंने कम्प्लीटली इसका पंप जो है ना, दो दिन के बाद में ये पंप रिपेयरिंग करवा के मैंने 2 दिन के बाद आया है दोस्तों। ये कंप्लीट एकदम परफेक्टली अच्छी तरह से तैयार कर करवा दिया है। और ये देखिए, ये इसकी नोजलें हैं, जो नोजलें सही थी, इसको सिर्फ ग्राइंडिंग करवाई है, एकदम परफेक्टली तैयार हैं। और ये देखिए, ये नोजल के वाइचर वगैरह जो भी आते हैं ना, ये सब है। तो अभी अपन इस पंप को फिटिंग करने जा रहे हैं दोस्तों। पंप फिटिंग इसका सेटिंग करने के लिए मैं आपको एकदम से आसान ट्रिक दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए, मैंने 2 एलिंकी ली हुई है, 2 एलिंकी ली हुई है, 2 एलिंकी अभी इसके अंदर लगाऊंगा मैं यहाँ पे। ये जो इसका किरा होता है ना, इस हिसाब से मैं इसके अंदर लगाऊंगा, इस हिसाब से। ये देखिए, इस हिसाब से मैं ये मैंने एलिंकी लगा ली है। अभी एलिंकी लगाने के बाद में आपको डायरेक्ट सीधे पंप डायरेक्ट फिटिंग करना है दोस्तों, इसका निशान लगाने के। और बाद में कम्प्लीटली अपन यहाँ पे जिसकी जो नट टाइट करेंगे ना, तब सिर्फ आपको ये निशान देखना है, बाकी इसमें टाइमिंग का इतना कोई झमेला है नहीं दोस्तों, नॉर्मली काम है। तो अभी अपन इसको फिटिंग करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये इसका जो निशान था, ये इसका निशान था जो मैंने यहाँ इसके सेंटर पर ला रखा है, ये वाला निशान है ना, ये वाला निशान मैंने इसके सेंटर पर ला रखा है। अब डायरेक्टली इसके इसके अंदर एलिंगी आ जाएगी, दोनों दोनों बोर्ड के अंदर एलिंगी आ जाएगी, आप कंप्लीट इसको सेट कर सकते हैं। डायरेक्ट इसी हिसाब से डायरेक्टली पंप आपको लगाना है इस साइड में, ये परफेक्टली कंप्लीट सेट हो जाएगा। ये देखिए, अपन पंप फिटिंग करने जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी इसका अपन नट लगाने जा रहे हैं, कंप्लीट सेट हो गया इसका सिस्टम। तो यहाँ पे इसकी जो है ना, ये चाकी लगेगी। आसान तरीके से अपना पंप सेटिंग हो गया दोस्तों। आगे का मैंने 2 एलिंकी लगाई हुई थी और एक बोल्ट था, उसका सेंटर लगा के मैंने एक नट लगा लिया है। बाहर के नट लगा के फिर इसको होता है ना टाइमिंग का गियर, उसको सिर्फ दबाना है, अपना काम हो जाएगा। एकदम टाइट नहीं कसना है दोस्तों, एकदम नॉर्मली कसना है। मैंने इसकी 2 एलिंकी निकाल दी है, परफेक्ट यहाँ पर टाइमिंग सेट हो गया है। ये देखिए दोस्तों, मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ आपको। जब अपन एलेंकी की मदद से अपन फिटिंग करेंगे ना, तो फास्टली 2 मिनट में ये इसका पूरा सिस्टम है ना, तो 5 मिनट में आपका पंप फिट हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैंने अंदर के तीनों नट एकदम परफेक्टली टाइट कर दिए हैं। तो परफेक्टली इसको पूरा टाइट करना नहीं है, नॉर्मली टाइट करना, ताकि पंप को एडवांस और रिटायर कर सके दोस्तों। अपन को ना ये निशान देखने की अभी बारी आ रही है। देखिए, ये देखिए, अभी इसका सेंटर नहीं है यहाँ पे, देखिए आप, यहाँ पे इसका सेंटर नहीं है, इसको थोड़ा सा, ये देखिए दोस्त, अभी ये परफेक्टली अपना सेंटर एकदम परफेक्टली सही हो गया है। मैंने जो पहले नट्स थे ना, वो बिल्कुल टाइट नहीं किए थे, लेकिन अभी इसको मैं बिल्कुल टाइट करने जा रहा हूँ दोस्तों। कपड़ा डाल दिया अंदर, ये देखिए, ये सफाई करने का, ये इसको ऊपर से फिर अपन कम्प्लीट सफाई कर लेते हैं, वो कम्प्लीटली बाहर निकल जाएगा दोस्तों। यहाँ से पूरा पटपट की आवाज़ आएगी। ये जो नोजल का प्रोसेस था, वो कंप्लीट सफाई हो चुकी है अंदर से, इसको मैंने सफाई कर लिया है। ये देखिए आराम से, अंदर के जो नोजल वाले सेद है, वो एकदम क्लियरली मैंने साफ़ कर लिया है दोस्तों। ये देखिए, ये तीनों नोजल हैं, अभी इसको अपन की बार में बिल्कुल भी नोजल लीक ना हो, इस हिसाब से अपन को पूरी फिटिंग करनी है दोस्तों। ये नोजल के वाशर हैं, सबसे पहले अपन को वाशर नहीं लगाने हैं, सबसे पहले अपन को यहाँ पर एनाबोन टिप लगानी है, यहाँ पर इसको आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इसको अपन को एनाबोन टिप लगानी है दोस्तों, इस हिसाब से। उसके बाद में ये देखिए, इस हिसाब से पूरा वाइचर है ना, ये इसके जो कट वाला भाग है, ये आगे लगेगा, ये इस हिसाब से, ये इस हिसाब से, इसको वापस इसको ऐसे, इसको इस हिसाब से पूरा दबाना है। फिर ये वाला धागा है, ये धागा है इतना, ये यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे लगाना है, इस हिसाब से, इस हिसाब से यहाँ पे पूरा लगाना है क्लियरली। इस हिसाब से इसके ऊपर पूरा लगाना है क्लियर। उसके बाद में फिर नॉर्मल सी एनाबोन टिप लेनी है वापस आपको, और इसको यहाँ पे इस हिसाब से पूरा लगाना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, कि पहली बात तो अपन ये कर रहे हैं कि नोजल
बिल्कुल लीक नहीं होगी। और यहाँ पे थोड़ा लगाने से क्या आएगा, आप जितने भी साल के बाद में, 1 साल 2 साल के बाद में अपन खोलेंगे तो यहाँ पे जंग नहीं लगेगा और इसके अंदर एनामोन टिप लगी रहेगी ना, तो दोस्तों एकदम आसानी से ये पूरी नोजल बाहर निकलेगी। दोस्तों ये देखिए, अपन ये इसको फिटिंग करने जा रहे हैं, इस हिसाब से इसको फिटिंग करना है। हर बार क्या है, अपन ग्रीस लगाते हैं, ग्रीस तो क्या है वो, उसका तो थोड़ा हेड वगैरह जो हीट होता है ना, हीट होने की वजह से वो ग्रीस तो पूरा जल जाता है, और एनामोन टिप जो ऐसी होती है ना, ये बिल्कुल नहीं जलती है दोस्तों। इस ये धागे मैंने जो काट के, कॉटन के धागा है, कॉटन प्योर कॉटन है, ये देखो इस हिसाब से इसको वापस यहाँ पर लपेटना है। ये बिल्कुल भी नोजल लीक नहीं होगी दोस्तों, एक ही बार में कंप्लीट सेट हो जाएगी दोस्तों बार बार। नहीं तो अपन का पंप फिटिंग करने के बाद में लगाते हैं तो वापस चिक 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 की आवाज़ आती है नोजल पे, तो ये समस्या बिल्कुल नहीं आएगी दोस्तों, एकदम से आसान से खुलेगी। और नेक्स्ट टाइम जो मैंने इस पर नोजल पे एनामोन टिप लगाई थी, जब अभी इसका पंप लगभग 6 साल के बाद में खोला है, तो एकदम ईजिली नोजल बाहर निकली, एकदम ईजिली नॉर्मल से दबाया और नोजल फट से बाहर आ गई। ये देखिए, ये इसको इस हिसाब से इसको नोजल को पूरा फिट करना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये पाइप लगा ली है, ये वाली पाइप लगा ली है, अभी ये लास्ट वाली पाइप जो है ना अपनी, ये लास्ट वाली पाइप है, ये अभी मैं लगाने जा रहा हूँ। और कनेक्शन करने के बाद में दोस्तों, ये वाले जो नट है ना, ये वाले टाइट कर देने कम्प्लीट, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये ऊपर वाले जो नट हैं, ये वाला तीनों नोजल वाले नट हैं, ये उनको ढीले रखने हैं। ढीले इसलिए रखने हैं क्योंकि यहाँ से अभी इसका पूरा कनेक्शन लगा के अपन एयर निकालेंगे ना, तो पाइपों के अंदर जो भी नॉर्मली कचरा होगा वगैरह होगा तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डायरेक्ट नोजल के अंदर कचरा जा सकता है और नोजल जाम भी हो सकती है। बार बार छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये पहले से मतलब अपने नोजल टाइट इसलिए नहीं की थी कि इसका जो नोजल में जो थोड़ा बहुत हॉल के अंदर जो गैप होता है ना, इसकी वजह से पाइप को उनको बैंड करना पड़ता है, लेकिन पाइप को बैंड करने की आवश्यकता नहीं है। नोजल खुली रखेंगे कम्प्लीट सी से, यहाँ पे इसका नट लग जाएगा, उसके बाद में अपन नोजल इसको ऊपर की नोजल पूरी कंप्लीट टाइट अपन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। उसका अपन कनेक्शन करने जा रहे हैं, अभी कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन करने के बाद में सेक्टर को सेल्फ लगाएंगे। जो ये वाली पाइप जो थी ना, ये देखो पूरी खराब हो चुकी है, ये पाइप लगी हुई थी, लेकिन अभी इसकी जगह अपन इसको ऑल्टरेशन करके लगाने वाले हैं। मैंने इस हिसाब से इसको पाइप को पूरा सेट कर लिया है, लगा लिए हैं, दोनों साइड में इसके वाइपर लग रहे हैं, जैसे हर कोई पाइप में दोनों दोनों साइड। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये पाइप भी पूरी देखी हुई, ये ऑल्टरेशन करके यहाँ पे बैंड लगा के, ये है इसका रिटर्न वाल्व, थोड़ा पहुँच देता हूँ ताकि क्या है कहीं पर भी लीक होगा कहीं पर तो अपन को दिख जाएगा दोस्तों। हाँ, लगाओ सेल्फ, लगाओ सेल्फ, लगाओ दोस्तों। अभी अपन को ये टाइट जो है ना पाइप, अभी मैंने यहाँ पे लिखो डीजल मैंने कंप्लीट अभी टाइट करनी है, क्योंकि पहले तो अपने सिर्फ ये ही, अभी अपन को ये वाले पाइप टाइट करनी है, ये वाले नोजल के अंदर कैसा चला जाता है तो वापस नोजल, इसकी पूरी नोजल ब्लॉक हो जाती है दोस्तों। इसकी परफेक्टली टाइट कर दी है पाइप, स्टार्ट करो भाई एक बार। तो इसका आवाज़ पूरा चेंज हो गया है, एकदम कंपनी के हिसाब से इसका आवाज़ है, एकदम परफेक्टली है, स्टार्टिंग में भी कोई समस्या नहीं है दोस्तों, और एकदम ईजिली स्टार्ट हुआ है। अभी इसमें सेटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले इसका आवाज़ था 2 सिलेंडर के माफिक, अब परफेक्टली 3 सिलेंडर काम कर रहा है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। बंद कर दो भी आप। देखिए दोस्तों, अभी इसमें परफेक्टली एकदम से ही रेडी हो चुका है, एकदम स्टार्टिंग में कोई समस्या नहीं है, परफेक्ट पंप हमने फिटिंग कर लिया है, ऑल्टरेशन करके पूरा परफेक्ट तैयार हो गया दोस्तों। अभी सिर्फ इसमें एक ही काम बाकी है, वो यहाँ से इसको पंप का जो सिस्टम है ना खोल के, यहाँ पे सिर्फ ऑयल डालना बाकी है, उसके बाद में इसकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू दोस्तों।